निताय, योग, टीवी, बिहोल्ड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हाँ जी बोल। एक मिनट एक मिनट, महाराज एक मिनट, महाराज एक मिनट। हरी बोल माता जी। स्वरा परमा कृष्णा सच्चिद आनंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण तामणि प्रकर सल्प कल्प वृक्ष इधर बैठना ऊपर बैठा ही।
आचमन दे Yeah.
चक्रवर्ती ठाकुर के आराध्य विग्रह है, सुंदर स्वरूप है, गोकुल आनंद का स्वरूप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतने महान वैष्णव थे कि जब वो इस बाजार में फूल तोड़ने जाते थे तो उनका पुरुष का रूप अदृश्य हो जाता था और उनकी गोपी का रूप प्रकट होता था। मैं आपको अच्छा घर देता हूँ, पूरा बंगला देता हूँ, गोडाउन में एक बड़े बड़े
तो जमींदार ने जैसे दरवाजा खोल के तुरंत बंद कर दिया और धर्मदास दास ठाकुर अकेले उस गोडाउन में गए और इतने जहरीले कोबरा सब नरोत्तम के सामने प्रणाम करे गोस्वामी का समाधि है नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु और ये विश्वनाथ चक्रवर्ती का समाधि है जहाँ बादल भी उनको छाया दे रहे हैं। ये नरोत्तम दास ठाकुर का पुष्प समाधि है और ये गंगा नारायण चक्रवर्ती का समाधि है। हमारे परंपरा में कहाँ से आता है नरोत्तम दास ठाकुर, उसके बाद गंगा नारायण चक्रवर्ती, उसके बाद कृष्णचरण चक्रवर्ती, उसके बाद राधा रमन चक्रवर्ती, उसके बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती, उसके बाद में बलदेव विद्याभूषण, उसके बाद में जगन्नाथ दास बाबा। सब परम प्रदक्षिणा करके बाहर निकल जाइए।
महाराज बिल्कुल दे मिनट को शांति रखिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु का कृपा मिला था दक्षिण भारत में रंग क्षेत्र में। वो चतुर्मास के समय में जब गौरंग महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में रहे तिरुमल भट्ट, तो उस समय में गोपाल भट्ट ने महाप्रभु का अंगूठा चूसा था। बोलो गौ मिला। इसके लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी बाद में उनके मामा यानी प्रबोधानंद सरस्वती जो भी राधा कृष्ण की लीलाओं में कुंद विद्या नाम की अष्ट सखी है उनका समाधि कालिया दमन घाट में है। उन्होंने गोपाल भट्ट को शिष्य के रूप में स्वीकार किया और गोपाल भट्ट गोस्वामी त्रिदंडी संन्यास लेके गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ आए वृंदावन में। रूप सनातन रघुनाथ भट्ट के विशेष मित्र थे और काली गंडकी नदी में नेपाल में गए तो उन्होंने गंडकी नदी में हाथ डाला तो उनके हाथ में 12 शालिग्राम आ गए। 12 शालिग्राम आए और गोपाल भट्ट भी बोला मैं तो साधु हूँ, मैं तो माधुकरी मांग के खाता हूँ वृंदावन में, मैं कैसे शालिग्राम की पूजा करूंगा। तो गोपाल भट्ट ने वापस शालिग्राम पानी में डाल दिया। खाली गंडकी नदी में ही शालिग्राम मिलता है और कोई नदी में नहीं मिलता है। शालिग्राम शिला आर ओनली मैनिफेस्टेड इन द रिवर गंडकी नेपाल बिकॉज तुलसी देवी हैज कर्स्ड कृष्णा टू बिकम शालिग्राम। तुलसी ने शाप दिया तो भगवान शालिग्राम बन गए हैं और वो नदी है गंडकी वो है तुलसी महारानी। The river Gandaki is the form of Tulsi Devi. So, उसमें से गोपाल भट्ट को मिला, वापस गोपाल भट्ट ने डाल दिया। लेकिन वापस गोपाल भट्ट ने हाथ किया तो वापस वही 12 शालिग्राम उनके हाथ में वापस डाल दिया गोपाल भट्ट ने। इसे 3-4 बार किया लेकिन शालिग्राम ही गोपाल भट्ट को नहीं छोड़ रहे हैं। गोपाल भट्ट तो छोड़ना चाहते हैं। जो साधु होते हैं वो अपने आप को बहुत नम्र मानते हैं, विग्रह सेवा में जल्दी नहीं उतरते, वो नाम भजन में इंटरेस्ट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। तो अंत में गोपाल भट्ट शालिग्राम शिला को लेके आए और वृंदावन में यहाँ वृंदावन में यहाँ उनका प्रतिष्ठा किया। एक रात को एक शाम को जब गोपाल भट्ट विश्राम कर रहे थे तब उन्होंने देखा एक बड़ा धनी व्यक्ति वो शालिग्राम के लिए मुकुट लाया, मोर पंख लाया, मुरली लाया, ये सब कुछ लाया। तो गोपाल भट्ट ने बोला मेरा शालिग्राम तो गोल है, मैं इसको श्रृंगार कैसे करूंगा। शालिग्राम तो गोल होता है, मैं श्रृंगार कैसे करूंगा और मुझे वापस महाप्रभु को दर्शन करना है। गोपाल भट्ट गोस्वामी वांटेड टू सी द फॉर्म ऑफ गौरांग अगेन। ही वाज लॉन्ग टाइम बैक ही मेट गौरांग महाप्रभु। तो इसीलिए क्या हुआ कि गोपाल भट्ट के शुद्ध भक्त के हृदय में जो इच्छा आती है भगवान उसको उसको अपने आप प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान के परम भक्त इच्छा से भगवान को नियंत्रण करते हैं। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने शयन किया योग निद्रा में भगवान की लीलाओं का दर्शन करते करते एक ही रात में वो 12 शालिग्राम में से एक शालिग्राम बड़ा हो गया। बोलो राधा रमण देव। वही शालिग्राम है जो शालिग्राम के चरण आ गए, शालिग्राम का पेट आ गया, शालिग्राम का मस्तक आ गया, शालिग्राम भी विभिन्न हो गया। बोलो राधा रमण की। ऐसा चमत्कार किसी व्रतनी में नहीं हुआ था पहली बार, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी का प्रेम पराकाष्ठा में था।
महाप्रभु की कृपा से। इस प्रकार से जब शालिग्राम बड़े हो गए तो सुबह गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा राधा रमण को, बोले करके बेहोश हो गए। बार बार राधा रमण को प्रणाम करने लगे, कभी उनके वापस झुक के बार बार राधा रमण को प्रणाम करने लगे। और उसके बाद में रूप सनातन दौड़ते हुए आए सेवा कुंज में से, बाजू में सेवा कुंज है, रूप सनातन बोले दौड़ के आए राधा रमण को देखने के। बोलो राधा रमण देव जय। कि औरंगजेब ने जब 1517 में आक्रमण किया था वृंदावन पे, तब सब विग्रहों को जयपुर ले जाया गया, लेकिन राधा रमण यहाँ से नहीं हिले। हरी बोल। बोलो राधा रमण देव जी। कि राधा रमण छोटे, उनको अच्छी तरह से छुपा सकते हैं, बहुत छोटे हैं, उनको बाइनोक्यूलर से देखना पड़ता है। साइड में मुकुट है और राधा रानी है, राधा रानी का स्वरूप है। क्योंकि राधा रमण के प्रकट हुए सुबह देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी को गौरांग का दर्शन करने की इच्छा हो गई, तो दोनों राधा रमण में से एक स्वरूप पैदा हुआ, गौरांग महाप्रभु का। बोलो राधा गोपीनाथ भगवान यहाँ है, हम अभी छोड़ देंगे उसका दर्शन, है तो दामोदर का दर्शन नहीं हो, लेट हो गया। श्याम सुंदर ने जोई आवाज, इन्हें पूछो मैं महाराज ने आइडिया से श्याम सुंदर जोई आई Thank you.
लीधू आ कई कृष्णदास कविदास गोस्वामी जहाँ चैतन्य चरित्र चैतन्य चरित्र महाराज महाराज गोस्वामी का भजन कुटीर सब शास्त्र यहाँ लिखे भक्ति रसामृत सिद्ध उज्ज्वल नीलमणि दलित माधव विदग्ध महोदव संदेश हम सब माता जी बारह साल तक उन्होंने तैयारी किया यहाँ प्रभुपाद ने अमेरिका जाने की संन्यास मिला उनको मथुरा में केशव जी गोडिया मठ में फिर वहाँ आगे
नाम क्या है? लोकल भाषा में क्या बोलते हैं इसको? पीलू नहीं, पीलू नहीं। ये ऐसे वृक्ष है जो नीचे झुके हुए हैं, ऐसे नीचे झुके हुए हैं, मतलब वो कृष्ण के राधा गोपियों के चरण को स्पर्श कर रहे हैं। और रासलीला में भगवान ने सब गोपियों के साथ पब्लिक में नृत्य किया। बाद में हर एक गोपी को लगा कि मेरे अंदर की इच्छा भगवान कब पूरा करेंगे। अंदर की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण सब गोपियों को ये वृक्ष के नीचे लाए। और प्रत्येक गोपी जैसे रासलीला में दो, अरे हमारा गोपीश्वर वंशी भट्ट सब रह गया तो वहाँ जाएंगे। दो दो गोपियों के बीच में जब भगवान खड़े रहते हैं रासलीला में, तो हर एक गोपी को अपना अटेंशन देते हैं। वैसे ही निधि वन में उन्होंने सब गोपियों को व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा किया है, और सेवा कुंज में लेकिन राधा रानी का ही
इच्छा पूरा किया है। ये सेवा कुंज केवल राधा के लिए है, निधि वन सब गोपियों के लिए है। इसीलिए निधि वन में गोपियों ने कृष्ण का सेवा किया, लेकिन सेवा कुंज में कृष्ण ने राधा का सेवा किया। बोलो सेवा कुंज धाम। तो ये सब जो कुंज है यहाँ, ये राधा की सखियों के लिए ही है, खाली राधा की सखियाँ उनके लिए। आप थोड़ा ऐसे आ जाइए, जो दूसरे आगे जाना। राधा की नित्य सिद्ध गोपियों के लिए ही सेवा कुंज बनाया है। साधना सिद्ध सखियों के लिए निधि वन है, नित्य सिद्ध सखियों के लिए सेवा कुंज है। और इसमें सेवा कुंज में राधा रानी का मान, रासलीला में जो मान हो गया था, उसके लिए भगवान ने राधा रानी का चरण का सेवा इसी वृक्ष के नीचे किया है। बोलो सेवा कुंज धाम की। रास्ता दीजिए। ये इसमें कृष्ण का चरण और राधा का चरण, दोनों का चरण दिखता है पेड़ के नीचे। तो ये रंग महल है, ये जो मंदिर कहते हैं इसको रंग महल कहते हैं, लेकिन जो मूल लीला वो इसी स्थान पे हुई है, जो कृष्ण ने और राधा ने राधा रानी के चरण की सेवा करके राधा रानी का मान को कृष्ण ने भंग किया है। अपने आंसुओं से कृष्ण ने राधा के चरण को धोया है। बोलो जय जय श्री राधे। हम उनको बता रहे हो राधा रानी का मान कृष्ण जी ने भंग किया है, राधा रानी का मान कोई भंग कर सकता है? हैं? तुम इनको मूर्खपने की बात बता रहे हो, कितनी गलत बात बता रहे हो। राधा रानी कौन है मालूम है आपको? उनको इतनी भी अकल नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या सब हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य ने जो बोला है वो हम बता। नहीं, क्या बोला? आप इधर क्यों आए हमारे इधर समूह में? आप अपना ये पूरा मंदिर में हमारे अंडर में ही है। हाँ, ये पूरा हमारा ही है, किसी का नहीं है, राधा रानी का। हाँ, तो समझ, हम ब्रजवासी। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कुंड में ललिता कुंड बनाया है। माया रासलीला करते करते ललिता सखी को प्यास लग गई। ललिता सखी का मूर्ति अभी राधा दामोदर में आपने देखा था, साइड में दामोदर के साइड में ललिता सखी का विग्रह था। तो ललिता सखी को प्यास लग गई, तो भगवान ने अपने वेणु से ये कुंड बनाया है। बोलो ललिता कुंड की। इसका जीर्णोद्धार अभी चल रहा है। जैसे निधि वन में विशाखा कुंड बनाया है, वैसे सेवा कुंड में ललिता कुंड बनाया है। और उसके बाद कुंड का पानी इतना शीतल है, इतना सुंदर, उसके बाद रासलीला हुआ। इधर छोटा रासमंडल है, बड़ा रासमंडल बीच में है सेवा कुंज के, छोटा रासमंडल है। यहाँ के पंडित जी कह रहे हैं राधा का मान भंग नहीं करते हैं, लेकिन हमारे गौड़िया वैष्णव कहते हैं कि कृष्ण भगवान जब राधा के सामने आते हैं तो राधा का मान भंग हो जाता है। कृष्ण के सामने राधा, इसीलिए राधा रानी का जब मान होता है तब कृष्ण को आने नहीं देते हैं कुंज के अंदर, सब सखियां बाहर खड़े रह जाते हैं। और जब कृष्ण किसी तरह सखी का, श्याम सखी का रूप धारण करके अंदर आते हैं तो राधा का मान भंग हो जाता है। उसके बाद ये सब रास्ता सेवा कुंज में ये रात्रि की लीला हुई है। निधि वन में सब गोपियों के साथ भगवान विहार करते हैं, लेकिन सेवा कुंज में भगवान राधा रानी और उनकी सखियों के साथ ही विहार करते हैं। इसलिए सेवा कुंज का इतना महत्व है कि यहाँ कृष्ण भी राधा की सेवा करते हैं, लादिनी शक्ति की सेवा। ये ललिता कुंड का जल आपको पंडित जी के कमंडलों में से मिलेगा, जो भी है जहाँ जिन्होंने सेवा कुंड का दर्शन नहीं किया। आगे से जाके ये रंग महल है, उसके पीछे वृक्ष जहाँ कृष्ण ने सेवा किया है राधा के चरण का, उसका दर्शन करके ऐसे घूम के आ सकते हैं। फिर हम जमुना तट पे जाएंगे अभी। हाँ, इधर ऐसे ये मत बना, पहले मेरे मत बना, ये लिखा हुआ बोले अरे बस मत बना। महाराज चाचा का नाम है Thank you.
मेहरबानी। चले आइए राधा माधव जय कुंज निधु वन निधु याने रात और वन माने गोपी के साथ एक एक वृक्ष में बड़े ऋषि मुनि लोगों का जन्म हुआ है। यहाँ जो ऋषि चारी गोपी मुनि चारी गोपियाँ हैं उनका यहाँ वृक्ष के रूप में जन्म हुआ और भगवान यहाँ शयन करके बाद में 4:30 बजे ये रंग महल है। यहाँ राधा और कृष्ण के कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं, रात को दोनों यहाँ शयन करते हैं। सब सिंदूर है, मांग है, बाल है, पूजा की सामग्रियां हैं, सब यहाँ रात को रखने से दिन में सुबह के प्रातः काल में बदल जाती है, क्योंकि हर दिन अभी भी रात को राधा और कृष्ण यहाँ आते हैं। बोलो निधु वन धाम की। ये रात यहाँ कोई भी जानवर भी नहीं रहता है और ये आजू बाजू के लोग भी सब खिड़की बंद कर देते थे कि खिड़की सब बंद है, वो निधुवन को की लीलाओं को देखने का प्रयत्न, ये जड़ आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमको चिन्मय आंखें चाहिए। जिनके पास गोपियों का प्रेम है वही ये से निधुवन और सेवा कुंज की लीलाओं का दर्शन कर सकता है। आगे विशाखा कुंड था, आपने देखा वो कुंड, वो विशाखा कुंड था छोटा कुंड, उसके पहले बांके बिहारी का जन्म स्थान आपने देखा, पंडित हरिदास तानसेन और बैजू बावरा के जो गुरु थे पंडित हरिदास वो यहाँ ही भजन करते थे। आगे उनका मंदिर है, वो हरिदास जी जब भजन करते थे तो सब पेड़ पौधे रोने लगते थे और सब जानवर स्तब्ध रह जाते थे और हरिदास का कीर्तन को सुनते थे और वही हरिदास के आनंद के लिए बांके बिहारी का प्रगट्य हुआ है निधु वन में। उनको अभी यमुना के किनारे में स्थापना किया है। बांके बिहारी लाल की, निधु वन धाम की, श्री राधा रानी की, गौर प्रेमानंदे। हरी बोल। ओ माता जी
इस घाट के ऊपर ही हंस का बड़ा राक्षस केशी के नाम पे घोड़ा बन के आया था और उस दिन मधुमंगल ने कहा कृष्ण को, हे कृष्ण तुम मोरपंख पहनते हो, तुम पीला पीतांबर पहनते हो, इसलिए सब मक्खन तुमको मिलता है, सब गोपियों का दूध दही तुमको मिलता है क्योंकि तुम सब पीतांबर पहनते हो। यमुना का वायु भी हमारे शरीर को स्पर्श करेगा तो हमके गोलोक धाम का टिकट कट जाता है। तो ये हम जो जिस जगह से आए वहाँ भी रात को 6 बजे शाम को जमुना की आरती होती है, जो आना चाहते हैं वो शाम को आ सकते हैं, यहाँ दूर नहीं जाना, अखंड आनंद जमुना की आरती का सुंदर दर्शन होता है। और जिस दिन से मधुमंगल ने कृष्ण से ऐसा कहा, कृष्ण ने बोला ठीक है मेरा मुरली भी तुम ले लो और मेरा मोर मुकुट भी तुम ले लो और मेरा पीताम्बर भी तुम पहन लो, उसी दिन वृंदावन में केशी आ गया कृष्ण को मारने के लिए। तो कंस ने केशी को कृष्ण का रिपोर्ट दिया था, कृष्ण का इंट्रोडक्शन दिया था कि कृष्ण है, उनके पीला पीताम्बर है, मोर पंख है और सब कुछ है। तो केशी ने किसको आक्रमण किया? मधुमंगल को आक्रमण किया। बेचारा मधुमंगल बाहर खड़ा था केशी घाट के, केशी ने आके उसको ऐसा लात मारा केशी घाट के वहां जाके गिर गया और अपने छाती को करने लगा, मधुमंगल छाती को डरबड़ाने लगा, बोलते ये कृष्ण बनना तो बड़ा कठिन है, एक दिन के लिए मैं कृष्ण बना और मुझे इतने बड़े घोड़े के लात, रोज मैं कृष्ण बनूंगा तो क्या हालत होगा। इसलिए मधुमंगल ने क्या किया कि जाके अपना मोर मुकुट कृष्ण को दे दिया, मोरपंख पीताम्बर बोला लो लो मैं तो चुप चुप के खाऊंगा लेकिन तुम्हारे मैं सकता हूँ। तो बाद में कृष्ण भगवान यहाँ ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए और कृष्ण भयंकर राक्षस उसके बाल थे वो बादलों को स्पर्श कर रहे थे, इतना भयंकर। जब वो दौड़ रहा था तो वृंदावन में गर्भवती स्त्रियों का मिसकैरेज हो गया, उनके संतान भी चले गए, इतना भयंकर राक्षस पूरे वृंदावन में भूकंप आने लगा। तो उस समय भगवान कृष्ण सामने खड़े रह गए और केशी ने देखा जल्दी आओ मेरा काल, ऐसे बोल के केशी आया भगवान के बाजू में और जैसे होता है ना बस कल हम बस में गए थे, बस उसने रिवर्स मारा, रिवर्स टर्न, वैसे केशी ने अपना रिवर्स कर दिया और पीछे के हिस्से से कृष्ण को लात मारने की तैयारी किया दोनों पैर से, क्योंकि घोड़े लोग पीछे से लात मारते आगे से लात नहीं मारते। भगवान को अपना पीछे का भाग दिखाया, भगवान बहुत दुखी हो गए, बोले मैं अनंत सृष्टि का नाथ हूँ और ये केशी मुझे पीछे का भाग दिखा रहा है। भगवान बहुत गुस्से हो गए, भगवान बोले इसका तुरंत खात्मा करता हूँ, ऐसे करके उसका एक पैर पकड़ा घुमाया भगवान को केशी को गोल 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 भगवान केसी को घुमाने लगे, इतना घुमाया कि जो जब हम किसी चीज को घुमाते हैं ना तो उसका जो वस्तु होती है वो बाहर की तरफ जाती है, आप देखे होंगे उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं अंग्रेजी में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसी वस्तु को घुमाने से वो चीज़ बाहर की तरफ जाती है ऐसे। तो केसी जो घोड़े के रूप में था वो ऐसा ऐसे घुमाने से उसका प्राण धीरे धीरे बाहर जाने लगा, ऐसे 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 करके उसका प्राण उसका सर में से बाहर निकल गया और भगवान ने उसको घुमा। बोलो केशी घाट की, समय से श्री यमुना जी की रास में अहम भूमिका थी, जब श्री राधा जी मान करके बैठ जाती थी तो श्याम सुंदर श्री यमुना जी को भेजते थे और यमुना जी को श्री राधा जी को मनाना आता था, राधा जी को कमल बड़ा पसंद था तो यमुना जी अपने हाथ में कमल लेकर
कमल की माला लेकर जाती थी और राधा जी उनको देखते ही प्रसन्न हो जाती थी। तो रास में अहम भूमिका थी। यमुना जी भी एक मुख्य हजारों संख्या थी राधा जी के उसमें यूथ में, वो भी यूथ पति थी। तो रास में बड़ा आनंद आता था जब यमुना जी को देखती थी राधा जी, तो प्रसन्न हो जाती थी, अपना मान छोड़ देती थी और उनके साथ चल देती थी। राधे जी से यमुना जी चाहते कहती थी, आलीरी तू काहे करे मान। सखी, आली मतलब सखी, हे सखी आप क्यों मान कर रही हैं, श्याम सुंदर आपको बुला रहे हैं, आप मन मत कीजिए। तो राधा जी मान छोड़ देती थी, आलीरी तू काहे करे कुंजन की ओर चलिए हे राधे। अरी चल रही किशोरी कुंजन ओरी, चल रही किशोरी कुंजन ओरी, तू ही बुलावे शाम, तू ही बुलावे है और आप चांदनी है। ब्रज चंदा की तू है जगची विस्तीर्ण दृष्टि वंशी न्यास्त्र किशलयम उज्ज्वलम चंद्र के मां प्रेक्षित सखी भक्त। जो जीव को अपने संसार से लगाव है, मुंबई में अपने घर से लगाव है, अपने मोटर कार से लगाव है, अपने मोबाइल फोन से लगाव है, और जो जीव को अपने परिवार के साथ लगाव है, प्रार्थना करते हैं वो जीव केशी घाट कभी ना आए। क्योंकि अगर आपको जिसको संसार से लगाव होगा वो एक बार भी केशी घाट में आएगा और भगवान के त्रिभंग स्वरूप को देखेगा, मधुर मुस्कान को देखेगा, तो वो सब कुछ भूल जाएगा। फिर वो वापस नहीं जाना चाहेगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, रिटर्न टिकट भी कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए केशी घाट में कोई लगाओ, सब संसार के सब लगाओ जमुना में छोड़ देना। खाली कृष्ण से लगाव होना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात में भगवान नहीं आई। वंशी वट साइड में है, यहाँ धीर समीर है जहाँ भगवान की मुरली बजी शरद पूर्णिमा में, तो धीर समीर का घाट में सब वायु भी स्तब्ध रह गई, वृक्ष भी स्तब्ध रह गए, धीर समीर सब धीर हो गया। और बाद में वंशी वट में रासलीला हुई, तो ये केशी घाट है, यहाँ भगवान की नौका विहार भी यात्रा है, जैसे मानसी गंगा में होती थी वही राधा के साथ भगवान नाविक बन के यहाँ वह खड़े रहते थे और बीच में जाके फिर बोट को डुलाने गिलाने लग जाते थे ताकि सब गोपियाँ उनको, राधा रानी उनको आलिंगन कर लेंगी। बोलो केशी घाट की जय। नौका यात्राएं भी भगवान की यहाँ हुई है, अभी हम केशी घाट का स्तुति करेंगे। केशो मुक्ति प्रदाय, केशो मुक्ति प्रदाय, देशवाये नमोस्तुते, देशवाये नमोस्तुते, चतुर्भुजाय कृष्णाय, चतुर्भुजाय कृष्णाय, केशी तीर्थ नमोस्तुते, केशी तीर्थ नमोस्तुते, केशी तीर्थ नमोस्तुते।
गोपियों को जब विरह हुआ रासलीला छोड़ के भगवान चले गए तो गोपियां भी इस रास्ते से आई है, वंशी वट से और श्रृंगार वट में गई है। श्रृंगार वट में राधा और कृष्ण का मिलन हुआ, उसके बाद में इमली तला में वापस कृष्ण अदृश्य हो गए श्रृंगार वट में से, तो इमली तला में वापस राधा और कृष्ण का मिलन हुआ है सखियों का। यही सब रास्ते हैं जहाँ गोपियां जमुना को पूछ रही है, कहाँ है हमारे कृष्ण, जमुना तुमने देखा है हमको रास्ता बताइए। इसी रास्ते से सब सखियाँ वंशी वट की ओर गई हैं, श्रृंगार वट की ओर गई हैं। बोलो केशी घाट धाम की, कृष्ण का नाम केशव उसी दिन से पड़ा है जब भगवान ने केशी का वध किया केशी घाट के ऊपर। बोलो केशव भगवान की। दूसरा कृष्ण का नाम केशव इसलिए पड़ा है कि राधा के केशों का श्रृंगार किया, श्रृंगार वट में आ गया है। ऐसे करके वृंदावन में ऐसे करके जमुना जी चंद्रमा की ओर जाती है, ये वृंदावन है ये जमुना जी चंद्रमा की ओर ऐसे घूमती है। टोटल 24 घाट 48 घाट बहुत घाट है लेकिन सब अदृश्य हो गए। अभी औरंगजेब ने तो कई घाटों को तोड़ दिया था। ऐसे करके जाएंगे तो पीछे महाप्रभु का घाट आएगा, गौरांग महाप्रभु ने वहाँ विश्राम किया। फिर जगन्नाथ घाट, जगन्नाथ पुरी से जगन्नाथ भगवान आए। आज सब देखने का समय नहीं था हमारे पास लेकिन नवकलेवर का मूर्ति जब बदलता है जगन्नाथ का तो जगन्नाथ भी यहाँ आ गए हैं जमुना के किनारे में। तो अब केशी घाट से आगे चीर घाट देखेंगे। चीर घाट एक्चुअली थोड़ा सा आगे था जमुना में लेकिन जमुना का प्रवाह कम होने के बाद अभी वही चीर घाट का एरिया माना जाता है। वृक्ष तो वो नहीं है, वृक्ष अदृश्य हो गया है। यहाँ भगवान ने एक महीने तक गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चुरा लिया एक एक करके अपने, भगवान ने गोपियों के वस्त्र को दिया था और गोपियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और एक साल के बाद ही रासलीला किया था। चीर घाट में जब लीला हुई उसके एक साल के बाद रासलीला हुई थी वंशी वट में। बोलो वृंदावन धाम की जय, वंशी घाट की। अभी कितने बजे? दो बज गए हैं। हमारे ऑटो सब चीर घाट में खड़ी हैं, अभी हम जाएंगे नहीं, हमको पहुँचना है। चीर घाट का दर्शन करके फिर बाजू में और कई घाट है, झाड़ू मंडप है आदि सब घाट है, समय नहीं हमारे पास। चीर घाट से आगे फिर हमारे ऑटो में आपको श्रृंगार वट को रुकाया जाएगा। श्रृंगार वट का दर्शन करके फिर इमली तला का दर्शन करेंगे, फिर राधा श्याम सुंदर स्कूल मंदिर में प्रसाद होगा। आज की वृंदावन यात्रा की और प्रेमानंद सभ्यता में ऐसा है कि केवल पति ही पत्नी को बिना वस्त्र के देख सकते हैं, इसलिए भगवान ने वस्त्र धारण करके हर एक गोपी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। ये लीला है, अंतर्ग लीला है। और बाद में भगवान ने यहाँ कहा पोतियों को एक साल के बाद शरद पूर्णिमा में आपकी इच्छा में पूरी करूंगा। बोलो चूर घाट धाम की जय। कात्यायनी का व्रत भी गोपियों ने इधर ही किया था, एक महीने का खिचड़ी खाके पानी में बनाई हुई खिचड़ी संध्या के बाद। रासलीला में राधा रानी
राधा रानी ने बोला कि सब गोपियों को इतना महत्व दे रहे हैं, मुझे इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। इसलिए राधा रानी राजशिला में से निकली तो भगवान ने यहाँ के राधा रानी के केशों का श्रृंगार किया। ऐसे नहीं 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 जा सकते, दादी साफ कर रहे हैं। ये धूल ले लीजिए माथे के ऊपर, राधा और कृष्ण का श्रृंगार खाली 5,000 साल पुराना है। हरि बोल, बोलो राधे श्रृंगार बिहारी की जय। हरि बोल। Thank you.